नमस्कार, जानिए कुछ नया कि इस एपिसोड में मैं सृष्टि आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस शो में हर हफ्ते आपको एक नई शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। उसी तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ मीडिया की फील्ड में बल्कि आरटीआई एक्टिविस्ट होकर जानने का हक जैसा मिशन लेकर लोगों को उन्हीं के हक से वाकिफ करवाया है। तो आइए स्वागत करते हैं अनिल दुबे जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सृष्टि। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस प्रोफेशन में शुरुआत कैसे की। मैं दिल्ली आया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि मीडिया में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, बेहतर रहेगा। तो ये एक बस इंसिडेंट था कि मैं मीडिया में आने की तरफ मेरा दिमाग उस तरफ सोचने लगा। और फिर मैंने देश में जो हिंदी पट्टी में जो मीडिया इंस्टीट्यूट हैं उसमें मैंने अप्लाई किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, IMC में भी अप्लाई किया, दोनों जगह मेरा हो गया। तो मैंने फिर एडमिशन ले लिया IMC में और फिर रेस्टिजिस्ट्री। सर, आमतौर पर हर पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहता है। जब आपने इस फील्ड में आने का फैसला लिया तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा? यार, मेरे भी पेरेंट्स ना मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया तो मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं जो है लेक्चरर या प्रोफेसर या कुछ टीचिंग लाइन में जाऊँ। बड़ा सेफ लाइन था, उन्होंने कहा कि बड़ा कूल रहोगे, वो घर पे आराम से परिवार को टाइम दे पाओगे। लेकिन मीडिया में जब मैं एक बात दिमाग में बात आई कि नहीं मुझे मीडिया में जाना है, तो धीरे धीरे उसका पैसन मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर हावी होता गया। मुझे लगा कि नहीं, ये बढ़िया पैसा है और बड़ा टीवी पर दिखने में बड़ा ग्लैमर भी है। और दीपक चौरसिया जैसे लोग उस समय हीरो हुआ करते थे जब हम लोग टीवी में आने की बात सोच रहे थे, और घरों में दीपक चौरसिया को लोग जानते थे। हमारे घर में टीवी भी नहीं थी, मैं एकदम गांव से आता हूँ, वहाँ पे लाइट की भी बहुत समस्या थी। तो टीवी हमारे घर में नहीं थी, तो पिताजी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था कि पत्रकार का रोल क्या है। और वो पत्रकार को मात्र एक गाँव के लेवल पर या फिर ब्लॉक के लेवल पर पत्रकारों को देखते थे। उनकी ये धारणा थी कि एक कुर्ता पजामा पहन के एक व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता है और झोला लटका के और दिन भर घूमते रहता है, उसके पास न पैसा होता है, न अपनी ज़िंदगी होती है, न परिवार को ज़िंदगी देता है। तो पत्रकार का एक जो आइडिया था उनके दिमाग में वो वैसा ही था, क्योंकि उन्होंने वैसे ही पत्रकारों को देखा था। और घर में टीवी तो थी नहीं हमारे पास कि उन्होंने दीपक चौरसिया को देखा हो, तो दीपक चौरसिया का नाम बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पर। तो मुझे कन्विंस भी करना था, मेरा IMC में सिलेक्शन हो गया था। अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लोगों ने कहा कि अरे तुम तो देश के सबसे अच्छे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो गया है। और फीस के लिए मुझे कन्विंस करना था और अपनी एक साल की जो पढ़ाई थी उसके लिए। मैं घर गया, उन्होंने साफ तौर पे मना कर लिया कि पैसे तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम कुछ और कर लो तो पैसे मैं दे दूँ, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि बड़ी मेहनत के पैसे हैं और पिताजी मेरे किसान हैं, तो गेहूँ और धान तो बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो फिर मैंने अपने बड़े पिताजी को पकड़ा, बड़े पिताजी हमारे टीचर थे, उनके घर में टीवी थी। तो उनको फिर मैंने बताया कि दीपक चौरसिया को जानते हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब वही उसी जगह पर मेरा एडमिशन हुआ है जहाँ से वो पढ़ के पास हुआ था और आज इतना बड़ा पत्रकार है। क्या बात करते हो? हाँ, बोले कि अरे बधाई हो, मिठाई खाओ। बोला कि मिठाई खाने से होगा नहीं, मुझे पैसे भी चाहिए एडमिशन के लिए। उन्होंने कहा कि पैसे तो क्या नहीं दे रहे हैं क्या? तो मेरे पिताजी का नाम लेके बोला कि मुश्किल तो यही है, आप कन्विंस कीजिए उनको। मैं चलो, फिर पिताजी को जाकर वो समझाया। पिताजी थके हारे मन से बोले कि ठीक है लो पैसा, चाहो अपना एडमिशन ले लो, जी लो अपनी ज़िंदगी टाइप से। तो फिर मैंने जो है आकर एडमिशन ले लिया और इस तरह से कन्विंस किया मैं। सर, जर्नलिस्ट की इस दौड़ में हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है, तो इस बीच सीनियर एंकर की पोस्ट पर पहुँचने में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? यार, मैं सीनियर एंकर तो नहीं, मैं एंकर जरूर, मैंने एक प्रोग्राम को एंकर किया, जानने का हर प्रोग्राम को मैंने एंकर किया। और वो भी एक एक्सीडेंट ही था, मतलब मैं एंकर बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा। मेरा पूरा का पूरा फोकस था कि मैं फील्ड में काम करूं, मैं रिपोर्टिंग करूं, मुझे रिपोर्टिंग से प्यार है। मैं अलग अलग लोगों से मैं देश भर में मिलते रहना चाहता हूँ, लोगों की समस्याओं को उठाते रहना चाहता था। तो जिस जो एंकर थी हमारे इस प्रोग्राम की, उन्होंने वो प्रोग्राम को छोड़ के दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया था। इस वजह से मुझे अचानक से उस प्रोग्राम की मैं रिपोर्टिंग करता था, दूसरा प्रोग्राम को मुझे एंकर करना पड़ा।
और ये इत्तेफाक ही था कि मैंने उसको एंकर किया। इसके बाद से दूसरा कोई प्रोग्राम में एंकर मैंने किया, छोटे मोटे जो हाफ एन आवर के कभी प्रोग्राम बनाते हैं उनके। अदरवाइज एंकर बनने का मुझे कोई शौक भी नहीं था, नहीं मेरे ख्वाब में कभी आता था कि मुझे एंकर बनना है। ग्राउंड पे काम करने का निश्चित रूप से मेरा बड़ा शुरू से मन था और मैंने किया। आपने हमेशा रिपोर्टिंग को सपोर्ट किया? हमेशा हमेशा। रिपोर्टिंग जर्नलिज्म का जो असली मतलब है वो रिपोर्टिंग में ही है। जो बढ़िया रिपोर्टिंग आदमी कर सकता है वो एक बेहतर एंकर भी हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड पे जब तक आप उसको पता नहीं है रियल इशूज़ क्या है, उसको कैसे टैकल करना है, तब तक आप उसको स्टूडियो में बैठ के उस पर बात करने में बड़ी मुश्किल होगी। स्टूडियो में बैठ के बात करना एक आर्ट हो सकता है, ग्लैमर क्वेश्चन हो सकता है, सलीका हो सकता है, लेकिन उसमें कंटेंट जो है आपकी रिपोर्टिंग थी। आप रिपोर्टिंग में आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपका ग्लैमर क्वेश्चन ना हो सकता है कि आप उस तरह से बहुत ही प्रोफेशनली जिस तरह से प्रोफेशनल एंकर्स प्रस्तुत करें उस तरह से ना कर पाएँ, लेकिन जो कंटेंट होगा तो बहुत ही सहज तरीके से, आपका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होगा कि सहज तरीके से भी अपनी आप बात कहेंगे तो फिर वो बात एक बढ़िया एंकर से ज़्यादा प्रभावित करेगी। मीडिया में भाषा एक अहम भूमिका निभाता है और यही कारण है कि बहुत से लोगों को भाषा शैली और उच्चारण के कारण क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। क्या आपको भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख ही रही होंगी कि मेरी भाषा में जो है, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ तो उसका टोन है, उसकी पिच है, कई सारे शब्द जो हैं उसमें बिहार के मैं यूज़ करता हूँ आज भी, तो लोकल लैंग्वेज जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ के तो यूज़ होंगे ही होंगे, उसमें से तो कोई आपको कह नहीं सकता है। हमने तो दिल्ली आके ही सीखा कि सौ और शौ में फ़र्क क्या है। हमने तो यही सीखा कि नुक्ता लगाने के बाद न्यूज़ कैसे बोलते हैं, न्यूज़ बोलना, डीडी न्यूज़ हम जब साइन अप देते थे तो अनिल दुबे डीडी न्यूज़ दिल्ली, तो मैं डीडी न्यूज़ बोलता था, तो हमारे सिंगर टोकते थे कि ये न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ है। न्यूज और न्यूज़ में फ़र्क करने में मुझे करीब 3 दिन लगे और तब मुझे पकड़ में आया कि ओफ ये बात है, इसको ऐसे कहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत है कि आप सही उच्चारण करें, लेकिन गलत उच्चारण से थोड़ा सा गंदा ज़रूर लगता है। स्क्रीन पे आप हैं और उच्चारण गलत है आपका तो निश्चित रूप से गंदा लगता है, लेकिन टोन या फिर आपका जो कोलोकियल जो लैंग्वेज के वर्ड हैं वो आपके इनरिच करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं और मजबूती करते हैं। मीडिया में 24/7 काम का प्रेशर एक जर्नलिस्ट पर हमेशा बना रहता है, तो इस बीच प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? करना तो होता ही है, उसमें तो निश्चित रूप से हमेशा घर से ये आता है कि आप तो हमेशा ही बिजी रहते हैं, आप तो टाइम से आते ही नहीं हैं, तो ये शिकायत तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि एक जर्नलिस्ट के जो साथी हैं घर पे, जो उनकी पत्नी है या फिर वो भी यदि कामकाजी हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, कामकाजी नहीं भी हैं तब भी एक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही रखना ही पड़ता है कि इनका तो पेशा ही ऐसा है। जैसे सीमा पे जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ जो समन्वय बनाने में दिक्कत आती है, तो वैसे ही हम लोगों का हर पेशे के साथ ये है मुश्किल की दिक्कत तो आती ही है। रात को 12 बजे फ़ोन आ जाता है कि चलो जल्दी से यहाँ उठ के आ जाओ, और रात को आप घर ही में बच्चे के साथ सो रहे होते हैं तो थोड़ी तो तकलीफ होती है, बच्चा जाग जाता है, पापा कहाँ जा रहे हो, उसको कैसे समझाओगे कि कहाँ जा रहे हैं रात को 12 बजे, भाई बेटा ऑफिस जा रहे हैं, तो पापा तो हमेशा ऑफिस ही जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आम लोग हैं उनसे हटकर एक मीडिया पर्सन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, सिंपल, आप सहज और सहजता को बनाए रखिए। क्वालिटी सिर्फ यही है कि आप एक आम आदमी हैं तो घटनाओं को जिस तरह से देखता है एक मीडिया पर्सन, घटनाओं को थोड़ा तरीके डिफरेंट तरीके से देखता है, वो अपने उस हर घटना में वो खबर ढूंढता है। कि आम आदमी के लिए एक हो सकती है कि ये घटना एक घटना है, जर्नलिस्ट एक घटना को कई तरीकों से जोड़ता है कि हो सकता है इस घटना जो सामने दिख रही है ये इसके पीछे में कुछ और हो। आम आदमी के लिए एक घटना सिर्फ वही हो सकती है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए उस घटना के कई मायने हो सकते हैं और उनमें से कुछ और खबरों को भी वो निकाल के लेके आ सकता है। लेकिन सहजता जो है, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं और एक आम आदमी अखबार पढ़ता है, दोनों खबर उठाते हैं, लेकिन वही एक खबर ऐसी होती है जिसको लगता है कि ये खबर ऐसी ही क्यों है। हो सकता है कि आम आदमी के दिमाग में भी हो पाता है,
लेकिन एक जर्नलिस्ट उसके पीछे जाएगा, उस खबर की तहकीकात करेगा और फिर एक नई खबर ढूंढ के लेके आएगा। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं, हम लोग भी आम आदमी ही की तरह जिस दौर से आए हैं, जिस जगह से आए हैं, लेकिन फर्क थोड़ी हो जाती है। आप आम नहीं रह जाते हैं क्योंकि आपका उठना बैठना, आपके जो जिन लोगों के बीच में आप काम करते हैं वो उस पेशे के चक्कर, पेशे के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, आपको अपने पर फोकस करना पड़ता है। आप RTI एक्टिविस्ट भी हैं, तो एंकर होने के साथ आपने इसका फैसला कैसे लिया? मैं जानने का हक प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया था तो इस कानून के साथ मैं लगातार जुड़ता चला गया। प्रोग्राम की एंकरिंग एक्सीडेंटल मिली थी मुझे, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग मैंने देश भर में घूम घूम के की। देश भर में घूमता रहा, लोगों की समस्याओं को देखता रहा, वो कैसे RTI के द्वारा उस अपनी समस्याओं को जो है वो सॉल्व करते रहे। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि ये कैसा कानून था है जो कि आज़ादी के समय आ जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी देर के बाद यदि मिला है तो इस कानून को प्रमोट किया जाए और इस कानून को प्रमोट करके हम जनता के बीच में एक जनता को एम्पावर कर सकते हैं। एक ऐसा टूल है जिससे कि आप गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए एक मेरे दिमाग में आया कि इस एक्ट को भी कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके साथ में आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कि कितनी दूर तक चल पाते हैं। जानने का हक प्रोग्राम जो आपने बनाया था, उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? खूब घूमा हमने देश भर में, उड़ीसा के जंगलों में, नागापट्टिनम के समुद्र के किनारे सुनामी से तबाह हुए घरों को देखा, कैसे RTI ने उन घरों को एक सपोर्ट दिया जो कि घर बिखर चुके थे, जिनके अपने खो चुके थे, जंगलों में जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनका राशन वाला चुरा लेता है, दिल्ली के स्लम एरियाज़ में जो कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे किस तरह से उनका हक छीना जाता रहा है, राशन 35 किलो मिलना है नहीं दिया जाता रहा है, दिल्ली के स्लम एरिया से लेके और उड़ीसा और दंतेवाड़ा और बस्तर के घने जंगलों तक किस तरह से एक आम आदमी अपने हक के लिए जूझ रहा है, इसको साक्षात देखने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं RTI के उस कानून के ऊपर काम करते हुए और उसकी पीड़ा को उसको देखते हुए हमने काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी हमने सीखा उस चीज़ से कैसे एक आम आदमी जूझ रहा है, कैसे गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं कैसे उदासीन बने हुए हैं और कैसे उनके सपोर्ट में कोई नहीं है। नक्सलवाद की बात होती है, हमने देखा कि आखिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, हथियार उठा लिया तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं था, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है विकास की उस धारा को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए, आपने नहीं पहुँचाया और उसके साथ जो जाती हुई उसे लगा कि आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी एक सेन आदमी होगा, कोई भी एक सोचने वाला आदमी होगा जिसके पास दिमाग होगा, तो हम ही नहीं लड़ जाते हैं? पुलिस यदि हमारी सहायता नहीं करेगी तो क्या हम नहीं लड़ जाएंगे? तो वही चीज़ वहाँ भी है। तो ये हमने फील किया कि इस देश में आप ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने काम को आगे यदि गवर्नमेंट करती रहे तो जनता कभी विद्रोह नहीं करेगी, जनता कभी बगावत नहीं करेगी, नक्सली नहीं बनेगा, खुशी से रहना चाहता है सब कोई। RTI एक्टिविस्ट होना जर्नलिस्ट प्रोफेशन पर क्या भूमिका निभाता है? काफ़ी भूमिका निभाता है, काफ़ी मैंने सीखा, बताया तो मैंने काफ़ी मैंने सीखा है, एक जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस को काफ़ी एनरिच किया इसने। मतलब आप ग्राउंड लेवल की हकीकत को देखा कि किस तरह से चीज़ों को बदला जा सकता है। आपने हमने एक से एक स्टोरीज की, तमाम जगहों से देश भर में घूम घूम के स्टोरीज की, मुंबई के मलाड़ के स्लम से लेके गुजरात के रण के कच्छ तक और फिर आप कर्नाटक की स्टोरी हो या तमिलनाडु की स्टोरी हो या बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मतलब ब्रेथ लाइन क्या बोलते हैं उसे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है अपने हक के लिए जूझ रहे हैं और एक RTI उसका हेल्प कर रहा है। और कई सारी स्टोरीज में ऐसी थी कि जो हेल्थ प्रॉब्लम को लेके और तमाम प्रॉब्लम्स और RTI उसको कैसे सपोर्ट करते जा रहा है। तो हमें लगा कि आप सिर्फ एम्पावरमेंट के लिए ये RTI को एक टूल बनाया है आपने, लेकिन कई सारे ऐसे भी टूल हो सकते हैं। आप सिर्फ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, आप सोच लीजिए सिर्फ कि इस ब्लॉक को ठीक कर देना है वो ठीक हो जाएगा। एक गांव के लिए, एक ब्लॉक के लिए पता है कितनी तरह की योजनाएं आती हैं हमारे देश में? करीब 56 योजनाएं आती हैं एक गांव के लिए और 56 योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये आता है। हमने ये एक्सपीरियंस किया।
और वो करोड़ों रुपया यदि आप उस गांव, उस पंचायत या उस ब्लॉक में आप ग्राउंड पे डालते हैं तो देखिए उसकी हालत क्या बदल जाती है। सही बात है। हम तो कहते हैं कि आप हमें दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे लेकिन उस पैसे को बंदर बांट करके और लोगों ने ऐसा बना रखा वो पूरा सिस्टम कि 50% 30-50% तक कमीशन खोरी के रूप में पैसा पहले ही खत्म हो जाता है, बाकी बचा वो जो कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचता है तो वहाँ लोकल लेवल पे वो फिर 20% उसका 50% बचाता है और ग्राउंड पे पहुंचता है 30%। तो जब 100 रुपये के काम को आप 30 रुपये का काम या 40 रुपये का काम करेंगे सोचिए उसकी क्या हालत, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिंदगी के जिस मुकाम पर आप पहुँच चुके हैं उससे फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? मुझे पता नहीं है फ्यूचर में मैं कहाँ देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ अभी, मैं अभी जीवन का मुझे ट्रांजिशन फेज है। हर जर्नलिस्ट की लाइफ में एक फेज आता है, वो 10 साल जब काम कर लेता है तो उसे लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, तो या तो आप नौकरी करते हुए जीवन आप काट दीजिए यदि आप टॉप मैनेजमेंट लेवल में नहीं पहुँच जाते, लेकिन वहाँ पर सीट कम है। टॉप मैनेजमेंट लेवल में हर कोई राजीव सरदेसाई, आशुतोष, दीपक चौरसिया नहीं बन सकता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा पेशा है कि इसमें ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप न्यूज़ रूम के अंदर आप 50 साल की उम्र में माइक पकड़ के रिपोर्टिंग करते रहेंगे, आपने कितने पत्रकारों को देखा है। हालांकि टीवी जो है थोड़ा न्यू है, हाँ। हो सकता है कि हम लोग काफ़ी दूर तक कंटिन्यू करें, लेकिन फ्यूचर में देखने के बाद समझ में आता है कि उस चीज़ को आप टॉप मैनेजरियल लेवल तक पहुंचना होता है। किसी भी प्रोफेशन में आप शुरुआत करते हैं वर्कर की तरह, ऊपर में मैनेजर बनते हैं, तो ऊपर में मैनेजरियल लेवल तक जाते जाते बहुत सारे लोग नीचे में जो है छटते जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम आगे की तरफ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं कहीं भी रहूँगा, एक बात तो तय है कि जो जर्नलिज्म का कीड़ा काट चुका है वो नहीं कभी निकलेगा। और जर्नलिज्म आप हमेशा, जरूरी नहीं है कि किसी संस्थान में नौकरी करते हुए जर्नलिज्म करते हैं। आज की तारीख में व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया जो है जर्नलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बन के उभरी है, कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग मीडियम बन के उभरी है। यदि आप गाँव में रह के किसी बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो वहाँ से भी बैठ के आप चेंज के लिए, जो कहते हैं ना कि चेंज के लिए बी द चेंज, यदि आप बी द चेंज के लिए आप किसी गांव में चले गए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो वहां रह के भी आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का काम आप करते रह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। सही। और सोशल मीडिया के माध्यम से टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, एकदम अखबारों में आप आर्टिकल लिखते रह सकते हैं, हम इस चीज़ के बारे में खूब लिख सकते हैं, खूब स्कोप है उसको, ये स्कोप कभी बंद नहीं होगा। तो मैं मरते दम तक अपने को एक जर्नलिस्ट के रूप में ही देखता हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, नौकरी करना जरूरी नहीं है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज के युवा पत्रकारों को? खूब पढ़ो। और जो युवा, मैं तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहले आते हैं अपना सीखने के लिए, कि जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अखबार तो कम से कम पढ़ो, वहाँ से स्टार्ट करो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, घूमो जितना घूम सकते हो। दो काम जिंदगी में जिस पत्रकार ने कर लिया, पढ़ना और घूमना, उससे बड़ा पत्रकार कोई नहीं हो सकता है। तो पढ़ना जरूरी है और उतना ही घूमना जरूरी है। अब घूमने और पढ़ने के बाद आप फील करोगे कि मुझे लिखना है। आप घूमते रहो, देखते रहो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हम निकलते चले जाते हैं अपनी रो में, चाय पी के गप करते रह जाते हैं, वहाँ आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आपको ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन से एक बढ़िया रिपोर्टिंग, आप चाय की दुकान पर खड़े होकर खूबसूरत सा एक रिपोर्टाज बना सकते हैं। तो आप उस नज़र को, निगाह को बनाए रखो, देखते रहो कि कैसे वो चीज़ें हो रही हैं और पढ़ो खूब, घूमो खूब। इसके बाद खुद ब खुद अंदर से ये चीज़ आएगी कि लिखना है। लिखो, काटो, मिटाओ, फिर लिखो, दोबारा लिखो, इस तरह से जो है राइटिंग स्किल जो है अच्छी होती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दूरदर्शन के सीनियर एंकर और RTI एक्टिविस्ट, जिन्होंने हमें मीडिया की दुनिया और राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी जानने के हक से वाकिफ करवाया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अलविदा।